Dear students, good afternoon all of you. Today जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है. 9.1 एक्सरसाइज में ऑर्डर और डिग्री हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें टॉपिक का नेम है जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की. हमें एक सॉल्यूशन गिवन होगा और उसको वेरीफाई करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज पे चल रहे हैं. जो हमें वाई के इक्वल गिवन है वो सारे सॉल्यूशन हैं, 10 सम तक बिल्कुल सिमिलरली हैं. और इधर से जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सामने दे रखी है, इनका इन डिफरेंशियल इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है ये हमें शो करने हैं. इन ईच एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन सॉल्यूशंस इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. इन सॉल्यूशन को हमें वेरीफाई करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्यूशन है. तो सभी स्टूडेंट्स, सभी जो सम हैं उनमें हम क्या करेंगे, जो हमें वाई गिवन है इनसे हम डेरिवेटिव करते हुए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे. जैसे फर्स्ट में आप डबल डेरिवेटिव देख रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव देख रहे हैं, हमें पहले इनका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है फिर सेकंड करना है. थोड़ी सी हम इनमें स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे डेरिवेटिव की फॉर्म के अंदर, तो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से बन जाएगी. और जब इक्वेशन बन जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो फर्स्ट ही सम हम कर रहे हैं. फर्स्ट सम की हम अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो वो हमारी स्टेटमेंट होगी y इक्वल ई एक्स प्लस 1. ये हमें y सॉल्यूशन गिवन है और हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सामने वो y डैश माइनस y इक्वल 0 है. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें इस सॉल्यूशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. तो हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड. तो y का डेरिवेटिव dy और dx इक्वल एक ही x का डेरिवेटिव आप जानते हैं एक ही x ही होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ये हमारा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. एक बात ध्यान रखें डियर स्टूडेंट, जैसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में डैश से डेरिवेटिव को डिनोट कर रखा है तो हम भी यहाँ डेरिवेटिव को डीवाई डीएक्स से डिनोट न करके हम भी इस डेरिवेटिव्स को वाई डैश से डिनोट करेंगे. इस बात का आपने ध्यान रखना है. अगर यहाँ डीवाई डीएक्स डिनोट किया हुआ है तो आप डीवाई डीएक्स डिनोट कर देंगे, अगर वाई डैश से डिनोट किया हुआ है तो वाई डैश से डिनोट कर देंगे. वाई डैश का मीनिंग भी फर्स्ट डेरिवेटिव है और डीवाई डीएक्स का मीनिंग भी फर्स्ट डेरिवेटिव है. तो डीवाई डीएक्स से यहाँ डिनोट ना कीजिए क्योंकि यहाँ हमें y डैश से डिनोट किया हुआ है. तो y का जो डेरिवेटिव है y डैश हो गया, एक ही x फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कर दिया. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइम डेरिवेटिव है. तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे y डैश का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा. और एक ही x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक ही x ही होता है. तो अब y डबल डैश इक्वल e की x के इक्वल हम क्या रख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए. फर्स्ट इक्वेशन से देखिए e की x किसके इक्वल है, y डैश के इक्वल है. तो e की x की जगह हम y डैश पुट कर सकते हैं और y डबल डैश ये पॉजिटिव y डैश है तो इधर आकर के नेगेटिव y डैश हो जाएगा. ये y डैश ये ओनली इक्वल 0. तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बन गया. अब ये सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखिए, इससे हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. इट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो इस तरीके से आपने ये सम करने हैं. सारे सम एक जैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी सम है. 1 to 10 सम तक काफ़ी ईजी सम है. हमें सिर्फ सॉल्यूशन ही चेक करना है. तो हम इनमें से वन सम और ट्राई कर लेते हैं. फिफ्थ सम जैसे दे रखा है, y इक्वल ax हमें सॉल्यूशन गिवन है. y इक्वल ax सॉल्यूशन गिवन है. फिफ्थ सम हम कर रहे हैं और हमें x y डैश इक्वल y, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. तो हमें इसको सॉल्यूशन चेक करना है. तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, हम y डैश से हम डिफरेंशिएट करेंगे. y डैश a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है. अब यहाँ पे y डैश इक्वल a लिखा हमने. अब जो हमें x की वैल्यू गिवन है
वहां से हम ये देखिए x डिवाइड में आ जाता है, y इक्वल x इक्वल a, ये हमें गिवन से बन जाता है, जो x हमें मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो a किसके बराबर हो जाएगा, y बाई एक्स। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, हम a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो y डैश इक्वल a के जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, y अपॉन x कर सकते हैं, कहाँ से आई a की वैल्यू, गिवन इक्वेशन से, ये हमें गिवन था, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड में x आ गया, यानी a किसके इक्वल आ गया, y बाई एक्स के, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। तो a की जगह हमने ये लिखा, इसका रीजन सामने लिख सकते हैं आप, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये इससे स्टेप क्यों आया, यूजिंग फर्स्ट किया है हमने। अब ये x जो डिवाइड में इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, एक्स वाई डैश इक्वल वाई, देखिए इस सॉल्यूशन से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इट मीन्स ये जो हमारा सॉल्यूशन गिवन था वो सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये 10 सम अच्छे से ट्राई करने हैं 9.2 के, जो कि जर्नल सॉल्यूशन है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के, सभी सम लीजिए आपने आज के होमवर्क के लिए, यही आज का होमवर्क है कि ये 10 सम 9.2 के आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। थैंक यू।